मंडल मागी बसाई रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहो। जा ऋषि मोही बचाई रहो। विधवा की झांकी निहारा करूं, छप छाप से मोगे चकाने रहो। ये बाके बिहारी यही विनती ही कि मेरी माँ के बिहारी सो अखियां लड़ी, मेरी माँ के बिहारी सो अखियां लड़ी। पूछा ये फांसी लगे या लगे भाई।
अब कह दीजिए बोल माँ की बिहारी लाल की जय हो, कुंज बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राम। ध्रुव जी ने कहा महाराज मेरा तो कोई गुरु नहीं है, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। सुखदेव जी कहते हैं तब नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादश अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भगवान का स्वरूप समझाया और ध्रुव जी जो है सीधे यमुना मैया के किनारे पर पहुंचे, एक सुंदर पर्णमूर्ति बनाई और इसी कुटी में निरंतर भगवान का भजन करते हैं और यही मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे भजन करते हैं, त्राक्रांते त्राक्रांते कपित बद्रासन आत्मविद्विनुसारे मासम निन्नेर अर्चिन हरिम। तीन दिन बाद उठते हैं त्रात्रांते, तीन दिन के बाद उठते हैं और वृक्षों से जो फल गिरते हैं उन फलों को खा करके यमुना का जल पी करके बैठ जाते हैं, निरंतर इसी मंत्र का जाप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक महीना बीता, इन्होंने नियम बदल दिया, छह दिन में उठते हैं, अब फल खाना छोड़ दिया, केवल यमुना का जल ग्रहण करते हैं और इसी मंत्र का जाप करते हैं। तीसरा महीना लगा, नियम बदल दिया, नौ दिन में उठते हैं, केवल सूखे पत्ते उनको मीड करके चूर्ण बना करके भंगी लगाते हैं। चौथा महीना बीता, नियम बदल दिया, बारह दिन में उठते हैं और इन्होंने वायु का आहार लेना प्रारंभ कर दिया। जब वायु का आहार प्रारंभ किया तो समस्त जीवों की सांस रुकने लगी, जीव छटपटाने लगे, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे महाप्रलय होने वाला हो। मिलकर